जगदलपुर में पीएम आवास दिलाने के नाम पर वार्ड वासियों से पार्षद पर कमीशन वसूलने का मामला सामने आया है, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिला है, जिसे लेकर संजय गांधी वार्ड की महिलाओं ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। बता दें कि महिलाओं ने दो साल पहले बोधघाट थाने में FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक पार्षद कोमल सेना के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल कोमल सेना पर 40 से ज्यादा लोगों से 25,000 रुपए वसूलने का आरोप लगा था। नाम झरना बघेल है। हम सारी जो महिलाएं हैं संजय गांधी वार्ड से हैं, संजय गांधी वार्ड 34 से। हमारी जो पार्षद 2020 में हम लोग से प्रधानमंत्री आवास के नाम पे जो ठगी की थी 25,000 रुपए हर एक महिला से जो ली थी 41 महिलाओं से, तो हम उसी के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। हम बोधगढ़ थाना में उनके नाम से FIR भी किए थे सर, लेकिन उसके नाम पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बस उसके नाम से केस बना है, लेकिन अब भी वो खुला घूम रही है और आज भी हम लोग को बोल रही है कि पैसा नहीं ली है, जबकि सर उसके नाम से वीडियो ऑडियो हर चीज प्रूफ में आया है। वो खुद भी बोली है कि वो 25,000 रुपए ली है बोल के हर महिलाओं से। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं 34 वार्ड की रहने वाली महिला हूँ। जो कोमल सेना जो है हम लोग को घर का आश्वासन देके 25,000 हम लोगों से मांग की, और हम लोग उसके बातों में आके हम लोग 25,000